केजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ आप पढ़ेंगे? केजीएफ चैप्टर 2 का तो ट्रेलर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। साल 2022 के मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में से सबसे ऊपर केजीएफ 2 का ही नाम है। केजीएफ चैप्टर 2 एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जो कि 2022 14 अप्रैल को रिलीज होगी। खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगे। इस फिल्म के चैप्टर 1 ने इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के बहुत सारे कंट्री में तहलका मचा दिया था, जिस वजह से केजीएफ चैप्टर 2 की बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है। मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। ये एक कन्नड़ा भाषा की फिल्म है। इस फिल्म का पहला पार्ट यानी केजीएफ चैप्टर 1 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 80 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने 250 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। केजीएफ चैप्टर 2 को प्रशांत नील के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इन्होंने इस फिल्म का चैप्टर 1 भी डायरेक्ट किया था। तेरे बाप की और तेरा बाप मैं हूँ। इस फिल्म को प्रशांत नील के द्वारा ही लिखा गया है। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म को हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषा में डब किया गया है। 2 मिनट 56 सेकंड का ट्रेलर काफी धांसू है और इसको देखने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस नए रिकॉर्ड बनाएगी। Violence. वही ट्रेलर में संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, प्रकाश राज, मालविका विनास भी फैंस को एक्साइटेड कर दिया है। केजीएफ 2 के ट्रेलर में इस बार पहले से भी ज्यादा एक्शन, जोरदार डायलॉग्स और धमाका देखने को मिलेगा। वहीं अगर फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों की बात करें तो फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के दूसरे पार्ट में भी अभिनेता यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज जैसे मल्टीटास्कर एक साथ पर्दे में देखने को मिलेंगे। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में संजय दत्त मुख्य विलन अधीरा के रोल में है। पहले भाग में अधीरा की सिर्फ झलक दिखाई गई थी। उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती, चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। दूसरे भाग में भी रवीना टंडन की एक अहम किरदार में दिखाई देंगी। ऐसे में फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। वायलेंस आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड।